हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्रदर का नया प्रिंटर DCP-T510W का अनबॉक्सिंग करेंगे। ब्रदर ने बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रिंटर्स निकाले हैं, लेकिन इसमें जो बेस्ट इंक टैंक प्रिंटर है वो 510W है एज पर माई रिक्वायरमेंट। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो मैं आपको डीपली दिखाऊंगा। इसका प्राइस पड़ा है 10,800 रुपीज का विद अनबॉक्सिस। मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है। सो मैं इसको धीरे धीरे से ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे पैकेज किया गया है। फर्स्ट लेयर फ्लिपकार्ट के जो पैकेज था उसकी लेयर है जो मैं अभी खोल रहा हूँ। आफ्टर दैट सेकंड ओरिजिनल पैकिंग आती है। T510W प्रिंटर, इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे आप दिखा रहे हैं कि बेस्ट फीचर इज लाइक अप टू 12 IPM मोनो सिंगल कलर और 6 इंच पर मिनट की क्वालिटी के साथ ये प्रिंट करता है। देन इसकी जो शीट ट्रे 150 शीट ट्रे एक बार में लोड होती है। मैनुअल फीडर स्लॉट, दैट इज अ यूनिक फीचर जिसकी वजह से मैंने लिया है, जो मैं बताऊंगा आपको। LCD वाईफाई कनेक्टिविटी है। एंड बेस्ट पार्ट इज यील्ड, क्योंकि ये सब इंकजेट प्रोजेक्टर है एंड दे आर इंक टैंक। बेस्ट पार्ट इसमें क्या है, 6,500 ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटआउट निकालता है जिसकी कॉस्ट अराउंड 10 पैसे के हिसाब से आती है, और 5,000 कलर प्रिंटआउट निकालता है जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 20 से 30 पैसे पर पेज के हिसाब से आती है। लेट मी ओपन इट फॉर यू। There are some instructions just mentioned over here to avoid inks spilling. क्या क्या करना चाहिए, I'll just open it. तो इसमें अनबॉक्सिंग करने पे हमें क्या क्या मिल रहा है। ये ब्लैक इंक है ऐसा आप दिख रहा है। Now there are 3 different color bottles and one more black ink. तो 2 बोटल ब्लैक इंक की मिलती है और 3 कलर्स की मिलती है। Now there are some cables, ये USB cable है, power cable, 2 cables के साथ मिलता है। हाँ जी, now this is the main thing, ये आपका manual है how to operate your printer, as you can see, country language, initial setup के बारे में बताता है जिसको आपको पढ़ना चाहिए start करने से पहले। Second है आपका warranty card, इसकी वारंटी 1 साल की होती है या 30,000 प्रिंट की होती है जो भी पहले आए। ये आपको इनफिल करने का तरीका बताता है किस तरह से आपको इनफिल करनी है। देन ये आपका एग्जिट वारंटी कार्ड है। एंड देन दिस इज योर डिस्क्लेमर जो कहता है कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। एज यू कैन सी, फिर और बहुत सारी इसमें चीजें हैं। ये आपको जागिए अनजैमर है, अगर आपका एक जो प्रिंटर है जैम हो जाता है तो उसमें एक टूल हेल्प करता है। शो यू कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। देन आपकी इंस्टॉलेशन ड्राइवर सीटी है जो कि लैपटॉप पर इंस्टॉल होती है। एंड सेफ्टी फीचर्स, तो ये बेसिकली पेपर वर्क है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। नाउ दिस इज द मेन प्रिंटर। हाउस होल्ड यूजर प्रिंटर है, इससे आप मैक्सिमम 2,500 पेज पर मंथ अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम, और मिनिमम 200-300 पेजेस है तो आप इसे यूज कर सकते हैं इजीली। बेस्ट पार्ट मैंने इसको इसलिए खरीदा था बाकी अदर कैनन और एप्सन के कंपैरिजन में, इज बिकॉज आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें आप ऑप्शन साथ देखेंगे। देन इसमें एक हाइट का ऑप्शन होता है, इसमें आप अपनी मोटी मोटी किताबें बुक्स भी आप कर सकते हैं। देखिए जैसे ये आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं फर्दर रिक्वायरमेंट, जो कि बाकी कॉम्पिटिटर में नहीं है, राइट। इसमें आप सिंपल बटन दिख रहा है, ये मोनोक्रोम है, यानी कि आपको अगर ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट आउट है जीरोक्स करना है उसके लिए, और एक कलर प्रिंट आउट के लिए। सो अभी इसको सेटअप करते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बेसिक फीचर दिखाता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो पर प्रिंटर हमारे पास दो ब्लैक बोटल आती है, विच इज वेरी हैवी ड्यूटी बोटल एंड ओरिजिनल, एंड देन वी हैव सिंपल थ्री कलर्स बोटल एज यू कैन सी। बेस्ट पार्ट प्रिंटर का क्या है कि इसमें जो भी रिफिल का टैंक है दैट इज अटैच। कैनन में ही अलग हो जाता है, तो उसमें इशू होता है कि आप एक जगह पे इसको फिक्स नहीं रख सकते। तो मैं अभी इस इंक भरने से पहले आपको इसके बेसिक फीचर दिखाता हूँ। ये मैंने इसका स्कैनिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए बेस्ट पार्ट लेटर का आप कर सकते हैं, A4 साइज का पेपर ऑब्वियसली प्रिंट कर सकते हैं। देन गोइंग टू सेकेंड लेवल लाइक दिस, इसके अंदर बेसिक पेपर जैम होता है तो आप इजिली पुल अप कर सकते हैं। उसका बैक साइड आप देखेंगे ये खुला हुआ है, तो वो आपका उसमें से आप इजिली पेपर रिमूव कर सकते हैं, जो कि बाकी सेम बजट प्रिंटर पे नहीं आता है। मैं बेसिक इंस्टॉलेशन जा रहा हूँ। ये मुझे एक USB केबल मिला हुआ है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है आप अंदर देखिए। इसको यहाँ पे जैक है, ये देखिए जैक है, इसको इसके अंदर लगाना है। क्लियरली मेंशन है USB, और इसको इसके एडजेसेंटली आपको इंस्टॉल करना है ये वायर, ये देखिए। और ये बाकी आपका USB पोर्ट आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, जिसको आप ड्राइवर के थ्रू प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। तो ये काफी लंबा है एज पर रिक्वायरमेंट। नाउ इसको हम लोग इजीली बंद कर सकते हैं ऐसे। अब मैं इसकी मैं इंक फिट करता हूँ, पर उससे पहले एक बार आपको इसका ट्रे का ऑप्शन दिखा देता हूँ। देखिए ट्रे सिंपल निकलता है, कोई ज्यादा हैसल नहीं है इसमें। सिंपली आपको ट्रे पकड़ के रिमूव करना है। मैंने ऑलरेडी पेपर इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं। मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ इसमें क्या ऑप्शन है। ये आपका पेपर ट्रे फोल्डिंग है, ताकि बाहर की तरफ आपका पेपर जब प्रिंट आउट होकर आता है उसका आउटपुट ट्रे पे होल्ड रहेगा, गिरेगा नहीं। हाँ, लेट मी ओपन दिस फॉर यू। कि जब आप खोलते हैं, मैं इसका पेपर बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ ट्रे का ऑप्शन। देखिए बेस्ट पार्ट इसमें क्या है, आपको अगर फोटो प्रिंट करनी है वहां पे ग्लॉसी पेपर रखे हुए हैं, तो उसके थ्रू आप इसको साइज को अप डाउन कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट जो सिर्फ इस प्रिंटर में मिलता है, लीगल पेज प्रिंटिंग। आप ये प्रेस करिए, इसका साइज बढ़ जाएगा, देखिए आप। फिर प्रेस करिए, इसका साइज घट जाएगा, ये। तो आप पेपर के साइज के हिसाब से इजीली इसको ट्रिम कर सकते हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो चेंज द साइज एज पर द रिक्वायरमेंट। ये क्लिप बनी हुई छोटी सी, इसे पकड़ के आप पीछे कर सकते हैं और आगे कर सकते हैं। यहाँ पर ही छोटी सी क्लिप बनी है, यू कैन मूव इट अराउंड एंड यू कैन चेंज द डायमेंशन एज पर रिक्वायरमेंट। नाउ बेस्ट पार्ट ये देखिए, प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। होता क्या, मान लीजिए लीगल पेपर आपका होता है, उसमें किस तरह से सेटिंग करनी है यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप पेपर को ऐसे रखेंगे तो इस तरह से प्रिंट आउट आएगा बाहर की आउटपुट ट्रे में। इसमें मैं पेपर फिट करता हूँ A4 साइज में। बेसिक फिट, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं मेरी तरह, तो बेसिकली आपको पेपर को एक सिस्टमेटिक रख के हल्का सा एयर फ्लो देना है उसमें, ताकि इजिली प्रिंट में जैम ना हो, और यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है लाइक दिस। जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है, टाइट करना है, स्लो करना है, आप लॉक कर सकते हैं इजिली, पॉसिबल है। देन इसको क्लोज कर दीजिए एंड देन फीड इट इनसाइड द ट्रे होल्डर। ये चला गया आपका इजिली। नाउ आफ्टर दिस विल फिल द इंक इन द इंक टैंक। ये बटन प्रेस करके आराम से खुल जाता है। इसमें अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसके अंदर किस तरह से आपको इंक फिल करनी है। तो दिस इज वेरी इजी टू यूज। नाउ MCY कलर है, तो आई विल जस्ट कीप इट इन लाइन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसमें बहुत बोतल खोलने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आपको पहले इसको बोतल को ऐसे खोलना है, देन यू हैव टू ओपन दिस लिड, जो कि सेफ्टी प्रोटेक्शन है, ताकि स्पिल ना हो। सो ये सारे इसके अंदर से लिड निकालने के बाद हम लोगों ने इसको सिंपली इंक को रिलीज करने के लिए हम लोगों ने लिड हटा दिया है। ये ब्लैक इंक है, इसमें पहले आप नॉब को हटाएंगे। रबर का नॉब है, बहुत स्ट्रांग है, ये देखिए। इसके अंदर आपको ब्लैक इंक भरनी है, मैं भर के दिखाता हूँ आपको लाइक दिस। इसके अंदर इसको स्क्वीज करना है, इसका लेवल अब भर रहा है ऊपर। ऐसे ही हमें सब सारी बोटल्स को फिलअप करना है एज पर द कलर।
ये एम को एम से टैली करना है जिसमें भी कंफ्यूज हो गया था, तो इसमें आपको ओपन करके इसको लिट होल्ड करके आपको इसमें स्क्वीज करना है लाइक दिस। तो मैं सारी कलर भर रहा हूँ उसमें एज पर द फिलिंग। ये एक बोतल एक रिफिल के लिए बनी गई है, तो अगली बार आपको नई बोतल लेनी पड़ेगी। मुझे पहले लग रहा था कि आपको एक ही में दो तीन बार यूज कर सकता हूँ, बट नो इट इज नॉट लाइक दैट। तो ये पूरी तरह से रिफिल हो गया है टैंक हमारा। तो जैसा आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बोतल का साइज का डिफरेंस, ये भी पूरी खत्म हो गई है। डैट मीन्स कि जो ब्लैक वाला टैंक है वो बहुत बड़ा है। नाउ इसको मैं बंद कर देता हूँ। इंश्योर कि आप बिल्कुल एयर टाइट इसको बंद करें ताकि स्पिल ना हो, और इसको मैं लिड को ढक देता हूँ। नाउ आफ्टर दिस आई विल बी इंस्टॉलिंग द केबल, पावर केबल, जिसका सॉकेट पीछे दिया गया है। ये है इसका सॉकेट, यहाँ पे मुझे पावर का केबल को अटैच करना है। थ्री प्लग है, सो इसको स्टार्ट करने के बाद जब पावर हमने कॉर्ड लगा दिया है तो ये ऑटोमेटिकली कुछ इनपुट्स मांगता है, जैसे आपका डेट टाइम वो मैंने सिंपली एंटर कर दिया है। देन इसके बाद इट इज आस्किंग मी दैट दे आर ऑटोमेटिकली ये स्टार्टअप हो रहा है, उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स का टाइम इसको लगेगा। तो 7 मिनट मुझे यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा इसको। तो मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे कनेक्ट करना है वाईफाई के थ्रू प्रिंट आउट, इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके ब्रदर्स आई प्रिंट एंड स्कैन को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद इसको इंस्टॉल करिए जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ। देन आफ्टर इंस्टॉलेशन ओपन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो इट विल आस्क टू डिटेक्ट योर प्रिंटर। तो उसके लिए क्या करना है हमें, हमें जा करके प्रिंटर के पास जाना है। एंड देन इसका मैंने बहुत देखी पर मेरे को क्लियरिटी नहीं मिली, लेकिन फाइनली आई हैव गॉट अ सिंपल ऑप्शन। क्योंकि आजकल क्या है, किसी के पास लोग वाईफाई कम यूज़ करते हैं, वी हैव ऑल द फ्री डेटा कनेक्शन, तो उस केस में यहाँ पे ऑप्शन आता है वाईफाई का, लोग इस पर क्लिक करते हैं। देन सेटअप वाईफाई पे यस करते हैं, यस देन इट इज़ कनेक्टिंग टू योर व्हील डब्ल्यू लाइन। तो उसके लिए अगर आपके पास राउटर है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, नहीं तो बहुत इशू आता है। तो ये 5-6 बार अटैम्प्ट करने के बाद ही सक्सेसफुल हो पाता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसको स्टॉप करिए, मेन्यू पे जाइए अगर आपको अपने मोबाइल से करना है, देन गो डाउन नेटवर्क पे जाइए, डब्ल्यू लैन सेकंड वाईफाई डायरेक्ट, वाईफाई डायरेक्ट पे कनेक्ट करिए, पुश बटन यस रेडी कनेक्ट कनेक्शन। तो इसके बाद जब आप जाएंगे वापस दोबारा अपने एप्लीकेशन में ब्रदर्स वाली, तो उसमें आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसने इस सिस्टम को डिटेक्ट कर लिया है। ये देखिए, उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे, देन वो आपसे पूछेगा कि ये प्रिंटर को आपने वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करा है नहीं करा है। तो वाईफाई पे क्लिक करिए और इसको सेट करिए, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे रजिस्टर्ड हो गया ये प्रिंटर आपके डिवाइस में लाइक दिस। इंफॉर्मेशन सपोर्ट पूछेगा आपसे, आपको प्रिंट करना है, स्कैन करना है, क्या करना है। स्कैन करने के लिए जो भी प्रिंटर में के अंदर आपने डॉक्यूमेंट रखा है वो स्कैन होकर आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप प्रिंट का ऑप्शन पूछते हैं, पूछता है किससे प्रिंट करना है, फोटो, डॉक्यूमेंट, क्लाउड सर्विस, और आपका जीमेल अकाउंट, जो भी अकाउंट है, अगर ट्रैवल करते हैं या कोई भी आपकी डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट निकालना है वो आप अपने जीमेल अकाउंट से कर सकते हैं। तो अगर मैं एक फ़ोटो का आपको डेमो दिखाता हूँ प्रिंट करके, जो कि मैंने अपनी गैलरी से सेलेक्ट किया है, तो मैं कोई भी फ़ोटो जो है बेटे की ली है ये वाली, तो इस पर क्या है, डिफरेंट ऑप्शन आते हैं सेटिंग पे। ये देखिए सेटिंग पे क्लिक करेंगे आप, तो इसमें मीडिया टाइप प्लेन पेपर है, मैं इसमें ग्लॉसी सेलेक्ट करूँगा। देन पेपरलेस, पेपर साइज़ का भी आप कर सकते हैं, छोटा बड़ा, A4 फोटो, आपको अपनी फ़ोटोग्राफ्स की भी कॉपी निकालनी है निकाल सकते हैं ID प्रूफ के लिए। कॉपीज़ कितनी कॉपी आपको करनी है, मोनोक्रोमेटिक कलर है, कलर मैंने कलर में किया, ब्लैक एंड वाइट में नहीं चाहिए, क्वालिटी मैंने हाई करी हुई है, फाइन। नाउ आफ्टर दिस आई हैव टू क्लिक ऑन प्रिंट, जब आप प्रिंट करेंगे तो आपके प्रिंटर में वो निकल जाएगा आउटपुट में। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वो प्रिंट आउट निकलता है। ये देखिए
ये जो आपका प्रिंट आ रहा है ये मेरी ओरिजिनल फोटोग्राफ है जो मैंने अपने एल्बम से निकाली है. दिस इज़ नॉट फ्रॉम दिस प्रिंटर, राइट. यही फ़ोटो मैंने आपकी इस प्रिंटर के थ्रू निकाली जिसमें आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं ग्लॉसी पेपर पे. आप डिफरेंस देखिए, थोड़ा सा कलर जो है प्रिंटर का इट इज़ सैचुरेटेड बट इट द फोटोज़ आर एक्सेप्टेड. इतना कुछ ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है इन दोनों फ़ोटोज़ में. देन जो मैंने आपको अभी प्रिंट दिखाया था अपने बेटे की फ़ोटो, ये A4 शीट पे मैंने फ़ोटो निकाली है एंड दिस इज़ ऑन द ग्लॉसी पेपर. ये ग्लॉसी पेपर पे मैंने एक ही पेज पे दो फोटो निकाली है यूजिंग मैनुअल फीड. तो ये फ़ोटो आप इमेज देख लीजिए और ये देख लीजिए, यू कैन कंपेयर बोथ इमेजेस साइमल्टेनियसली लाइक दिस. इट इज़ वेरी क्लियर एंड क्रिस्टल. एंड अगेन मैंने ये ऑडी स्नैप का इसमें ग्लॉसी पेपर जो 180 GSM का है वो यूज़ किया है. सो अगेन इट्स वेरी सिंपल टू यूज़, इज़ अ बेस्ट प्रिंटर इन द प्राइस रेंज. आप में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, वेरी बेसिक क्वेश्चन लाइक ए लेमन क्वेश्चन, यू कैन कॉमेंट बॉक्स में जा करके आप उसमें कॉमेंट कर सकते हैं. तो थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.